चलो अब ये लेक्चर 5। आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे? लिपिका। यस परमुटेशन ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट। अच्छा लिपिका एक चीज बताना, ABC वर्ड है ठीक है, इसके टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है जल्दी बताओ। पहले के लिए कितनी चॉइस? द 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 2। 3 to 1, दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। कोई डाउट है इस चीज में किसी को भी? नो सर। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं। अगर इसमें एक चीज लिपिका सेम आ जाती है, ए ए बी आ जाता है इसमें कित, अच्छा इसके पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं। ABC के, ABC के 6 अरेंजमेंट होंगे, ABC, ACB, BCA, BAC और CAB, CBA। इसमें कोई डाउट है किसी को? ये 6 अरेंजमेंट डिफरेंट है। चलो अब अगर दो चीजें सेम हो तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? दो चीजें सेम हो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? ए ए बी है सर, तो ए बी होगा, एक ए बी ए होगा और एक बी डबल ए होगा। और कोई बनेगा? कोई बताएगा? ठीक है, और कोई अरेंजमेंट नहीं बने, और कोई अरेंजमेंट नहीं बनेगा। इसका मतलब, इसका आंसर कैसे आया हमारे पास? 3 फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस। अगर तीनों डिफरेंट होते तो कितने केसेस होते? 3 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय जो सेम ऑब्जेक्ट्स हैं उसके कितने हैं? 2 फैक्टोरियल। दो ऑब्जेक्ट सेम थे इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे आया। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस, आंसर इज 3। कोई डाउट है? कोई डाउट है बच्चे किसी को भी? चलो अब क्या है, बोलेगा कौन? प्रियांशु बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। प्रियांशु अब जैसे अगर मैं इसके पूछता हूँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है, ए बी बी सी सी सी, टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो टोटल कितने वर्ड्स हैं? लेटर्स कितने हैं सर? 6। तो टोटल अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल हो गया, सही है? यस सर। और बी बी कितनी बार रिपीट है? बी कितनी बार रिपीटेड है सर? 2 times। 2 फैक्टोरियल नीचे। सी कितनी बार रिपीटेड है? 3 times। ये बात समझ आ गई टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट? ठीक है, यस सर। तो ये 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल है ना? हाँ, इनटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब एक और देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ए ए बी 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 सी 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 सी, टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? क्वेश्चन समझ आ गया? माधव माधव टोटल कितने वर्ड्स हैं? बोलो बोलो। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। कोई डाउट है? ठीक है, बात समझ आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, वान्या नेक्स्ट तुम बोलोगे। यस सर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई है वान्या? यस सर, आ गई। अब वान्या क्वेश्चन है कि हमने बोला ए ए बी सी डी ई, ये ट्रिपल ए, टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है पहले ये बताओ। बोलो जल्दी वान्या। सर 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। एक मिनट, टू फैक्टोरियल कौन से बोल रहे हो? 2 फैक्टोरियल कोई रिपीट है? दो बार कोई रिपीट? आंसर बोलो। 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। कोई डाउट है? नो सर। अब मैंने इसमें पूछा इसके टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है सच दैट ऑल एज कम्स टूगेदर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर।
कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। अच्छा, सारे ए को क्या मानना है हमने? वन। अब टोटल कितने हो गए? फाइव। फाइव फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब ये आपस में कितने वेज में अरेंज होते हैं अगर डिफरेंट होते तो? थ्री। और डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल क्यों आया? डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल क्यों आया बताओ? सर क्योंकि पिछले केस में भी थ्री डिवाइड किया था हम लोगों ने। नहीं, तीनों सेम है, तीनों सेम है ना, इसलिए तीनों सेम है इसलिए थ्री फैक्टोरियल आया नीचे। ये बात समझ आ गई? यस सर, आ गई। पूर्वा, फाइव फैक्टोरियल इनटू थ्री फैक्टोरियल कैसा है? कौन बोल रहे, नाम बोलो। सर ऋषभ। कौन सर? ऋषभ। ऋषभ बच्चे ये बता, लास्ट क्लास अटेंड की थी ना? यस सर। अब अगर ये होता, मैं पूछता हूँ टोटल कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें तीनों ए साथ रहे, तो टोटल कितने वर्ड्स हो गए? सर थ्री। थ्री की फाइव। हाँ सर फाइव। फाइव फैक्टोरियल आया इंटू थ्री फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि इन तीनों का डिफरेंट माना, बट तीनों सेम है इसलिए नीचे भी क्या आया? सही है सर। हाँ बोलो ध्रुव। सर सर फिर तो हम सीधा इसको फाइव फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो केस जिसमें सेम होंगे। लिख सकते हैं। ओके सर। लिख सकते हैं समझाने के लिए बताया था। अब ऑल इज डू नॉट कम टुगेदर, क्वेश्चन डू नॉट कम टुगेदर, क्वेश्चन समझ आ गया? ध्रुव क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर मैं बताऊं तो इसमें आंसर क्या आएगा? टोटल माइनस, यस सर टोटल माइनस टुगेदर, ऑल ए टुगेदर, यही होता है ना? यस सर। अच्छा टोटल कितने वेज होंगे, टोटल कितने वर्ड्स होगा, टोटल कितने लेटर्स हैं? सर टोटल है हमारे पास सात। सर क्योंकि तीन, क्योंकि ए ए ए सेम है। और फाइव फैक्टोरियल माइनस फाइव फैक्टोरियल बाय थ्री फैक्टोरियल, बात समझ आ गई? सर फाइव फैक्टोरियल। एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का, देखते हैं। सर इसको हम ऐसे भी तो ले सकते ना, थ्री फैक्टोरियल को एलसीएम लेके डायरेक्ट ऊपर। थ्री फैक्टोरियल एलसीएम लेके डायरेक्ट ऊपर मतलब? सर जैसे सेवन फैक्टोरियल माइनस फाइव फैक्टोरियल इनटू। हाँ बच्चे लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलते हैं। क्वेश्चन आता है अगर जैसे मैंने बोला ए बी सी डी डी, जैसे ई एफ कर देते, ठीक है। अब इसमें निकालने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच बोथ डी डू नॉट कम टुगेदर, कौन बोलेगा? सर मैं बोलो। कौन? ध्रुव। नाम बोलो। ध्रुव नहीं, और कोई? और कोई? ध्रुव नहीं, और कोई? हिमांग बोलोगे? सर शरद। शरद बोलो। चलो शरद बोलो, इसका आंसर क्या होगा? टोटल माइनस कैसे बोलेंगे? सर सेवन फैक्टोरियल एक में तीन, टोटल माइनस पांच, सेवन फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल, ये बात समझ आ गई? पहले टोटल ये होगा और टुगेदर के लिए आंसर क्या आएगा? दोनों डी को क्या मानेंगे? टू फैक्टोरियल। सिक्स फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल, कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर आ गई। हिमांग बच्चे कोई डाउट है? नो सर। अच्छा हिमांग अब नेक्स्ट तुम बोलो। यस सर। हिमांग बच्चे क्वेश्चन आता है ए बी सी डी डी ई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस सच दैट बोथ, नहीं नो टू डीज कम्स टूगेदर,
क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। नो टू डीज का मतलब समझ आ गया ना, नो टू थिंग्स आर टुगेदर वाला पार्ट था। यस सर। अब इसके देखते हैं टोटल अरेंजमेंट देखते हैं। पहले सबसे पहले किसको बिठाते थे? ए बी सी और डी को बिठाते। अब डी के लिए कितनी चॉइस बची? 6 देन 5 एक दो तीन चार पांच, पांच चॉइस बची। पहले डी के दूसरे 5 एंड 4 और इनटू 4 वेक्टोरियल। ये बात समझ आ गई? यस सर। डिवाइडेड बाय अब दो डी है तो डिवाइड बाय 2 वेक्टोरियल क्यों आया? दोबारा बता मुझे, दोबारा दूसरा आसना। यस सर। आसना आप तुम बोलो। ए ए ए बी सी डी ई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दी, जो भी ये 7 लेटर वर्ड है अरेंज करने, सच दैट नो टू एज आर टुगेदर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। पहले किसको रखेंगे? सर पहले टोटल को रखेंगे। बी तो... नहीं, नो टू एज बोला है ना बच्चे मैंने, या वहां पे मैंने बोला है ना ऑल एज डू नॉट कम टुगेदर, ये नहीं बोला मैंने, बोला नो टू एज आर टुगेदर। पहले किसको रखेंगे? बी सी डी और ई को। बात समझ आई? यस ठीक है। आप ए के लिए कितनी जगह बनी बताओ? बोलो आप ना। 5 पहले के लिए 5 चॉइस, पहले ए के लिए, दूसरे ए के लिए 4 चॉइस, तीसरे ए के लिए 3 चॉइस। कोई डाउट तो नहीं है ए के लिए? नो सर। आप बी सी डी इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? इनटू 4 फैक्टोरियल। कोई डाउट? नो सर। आप 3 ए जो है वो सेम है कि नहीं है? यस सर। तो इनको मतलब 1 मानेंगे, 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, तीनों ए को सेम। कोई डाउट सर? इनटू 4 वेक्टोरियल होगा या इनटू 5 वेक्टोरियल होगा? बच्चे इनटू 4 वेक्टोरियल होगा ना। बी सी डी ई को कैसे है, कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? ठीक है सर। अच्छा एक और देखते हैं इसी टाइप के ऊपर। अगर मैंने बोला ए ए ए ए बी सी डी ई एफ सच दैट नो टू एज आर टुगेदर, कौन बोलेगा? दिव्यंत बोलेगा? यस सर। दिव्यंत बोल, पहले किसको रखूं? सर बी सी डी और ई एफ को भी है ना। अब कितनी जगह बनी सर? अब 6 जगह सर, बनी ना? यस सर 6। अब 6 जगह बनी। पहले ए के लिए कितनी चॉइस? 6, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 4, तीसरे के लिए, चौथे के लिए 3, सही है? यस सर। अब बी सी डी ई एफ को कितने वेज में अरेंज करते हैं? 5 फैक्टोरियल, और 4 ए सेम है तो इसलिए 4 फैक्टोरियल नीचे। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। बोलेगा कौन? क्या होता है वंश? यस सर। वंश अभी तक जो क्वेश्चन बताया वो समझ आ गए? यस सर। चलो अब मैंने बोला क्वेश्चन आता है एलजेब्रा वर्ड, क्या है वर्ड एलजेब्रा? In how many ways can the letter of word algebra be arranged? In how many ways can the letter of word algebra be arranged without changing the relative order of vowels and consonants? Without changing the relative order of vowels and consonants. मतलब क्या हुआ? जहां पे vowel था वहां पे vowel रहेगा, जहां पे consonant था वहां पे consonant रहेगा। मेरे हिसाब से कोई और बोलेगा, 10th क्लास से कोई बोलेगा? सर मैं बोलूं? मैं बोलूं? नहीं, 10th क्लास से और किस गर्ल ने बोला?
सर मैं बोलू नाम बताओ वान्या वान्या बोलो वान्या मैंने क्या बोला विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट मतलब मतलब सर जैसे अगर कोई इवन प्लेस पर ये हमारा वोवेल तो वो इवन प्लेस पर रहेगा एक मिनट मैं दोबारा बोल देता हूँ जो तुमने बोला ठीक बोला जैसे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है जल्दी बताओ ए वोवेल वोवेल है इस पे वोवेल रहेगा और कहाँ पे वोवेल रहेगा सर लास्ट प्लेस पे और सेवंथ फर्स्ट फोर्थ और सेवंथ पे वोवेल रहेगा और इन सब जगह पे क्या रहेंगे कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में जहाँ पे वोवेल है वहां पे वोवेल रहेगा जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहां पे क्या रहेगा कॉन्सोनेंट अब सबसे पहले इस ए के लिए कितनी ये पहले वाले वर्ड के लिए कितनी चॉइस है कितने वोवेल्स हैं थ्री इसके लिए तीन चॉइस इसके लिए दो चॉइस और इसके लिए एक चॉइस कोई डाउट नो सर और एल जी बी आर जो भी लिखा है 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा कोई डाउट है नो सर चल अब हम एक क्वेश्चन करेंगे अब एक लास्ट के तीन चार क्वेश्चंस रह गए इम्पोर्टेंट है ये चीज हाँ बोलो सर बाय टू फैक्टोरियल नहीं करेंगे उसमें ए दो बार आ रहा था बट डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल आएगा मेरे से गलती ठीक है चलो अब एक चीज देख लेते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे डिक्शनरी सबने देखी हुई है ठीक है अगर मेरे को सपोज कर लो रेंडम वर्ड ढूंढना है डिक्शनरी में सबसे पहले आप किस डिक्शनरी में क्या ढूंढोगे आर ढूंढोगे यस और नो उसके बाद क्या ढूंढोगे उसके बाद एन उसके बाद डी उसके बाद ओ उसके बाद एन तभी मिल जाता है ना रेंडम वर्ड कोई डाउट तो नहीं है no, मेरे साथ बोलेगा कौन बोलेगा दृष्टि नहीं दृष्टि बोलेगी दृष्टि अभी एक बार ना मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ जिसमें ना तीन लेटर्स हैं ए बी और सी ठीक है डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें कितने लेटर्स हैं ए बी और सी साथ साथ में बोलेंगे दृष्टि ठीक है सबसे पहला वर्ड जो होगा विद और विदाउट मीनिंग यहाँ पे विद और विदाउट मीनिंग यहाँ पे तो सबसे पहला वर्ड होगा डिक्शनरी में ए बी सी यस और नो यस सर उसके बाद अगर दूसरा वर्ड देखा जाए तो ए सी भी आएगा यस सर तीसरा वर्ड अगर देखा जाए तो पहले ए आ गया था अब बी आएगा सही है बी के बाद फिर क्या आना चाहिए यहाँ पे ए और यहाँ पे सी यही होगा यस सर तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे फिर बी सी ए आएगा फिर ए बी आ गया फिर सी आएगा ए बी आएगा और सी बी ए ये बात समझ आ गई डिक्शनरी अगर ए बी सी वर्ड की बनाई जाती है तो डिक्शनरी में टोटल 6 लेटर्स ही होंगे अगर वैसे भी देखा जाए तो 3 2 1 6 लेटर वर्ड की डिक्शनरी बनी है अब अगर मैं पूछता हूँ 6 लेटर वर्ड की डिक्शनरी में बी सी ए की रैंक क्या है कौन सी रैंक है कौन से नंबर पे आ रहा है 4 तो इसकी रैंक क्या हो गई 4 क्वेश्चन समझ आ गया तो अगर हमारे को किसी लेटर की रैंक निकाल किसी वर्ड की क्या निकालनी है रैंक निकालनी है तो वो हम ऐसे निकालते हैं ये मतलब ये है इन वाले क्वेश्चन का डिक्शनरी वाले क्वेश्चन का ये मतलब किसी को डाउट है क्वेश्चन के मतलब में सर रैंक निकालेंगे कैसे अभी बता रहा हूँ बस अभी तो मतलब बताया कि द मीनिंग ऑफ दिस रैंक इज दिस ठीक है ऐसे बी बी सी ए से शुरू नहीं कर सकते ए बी सी से शुरू करना होगा आप बताओ ना डिक्शनरी में बी सी ए पहले आएगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी नो सर ठीक है इसलिए अब एक बार ही सुनेंगे मैं 4 क्वेश्चंस कराऊंगा इसके और ढंग से सुनना
जैसे वर्ड है रैंडम, इसकी रैंक निकालनी है। अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, जिसको बोलूंगा साथ में वो बोलेगा, ठीक है। सबसे पहले दृष्टि तुम ही बोलोगे, थोड़ा तेज बोलोगे दृष्टि। यस सर। हाँ, डिक्शनरी में कौन कौन से लेटर्स हैं जल्दी बताओ रैंडम वर्ड में। आर ए एन डी ओ एम, यही है ना। हाँ, अगर मैं डिक्शनरी का पहला वर्ड बनाना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ डिक्शनरी का पहला वर्ड बनाते हैं, इस रैंडम वर्ड की डिक्शनरी में रैंक क्या होगी। पहला वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, सबसे पहले ए आता है, ए के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी, डी आएगा, फिर क्या है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यही होगा ना, इसकी रैंक क्या होगी। ये इसमें कोई डाउट है दृष्टि? नो सर। अब ध्यान रखना, आपको रैंक किसकी निकालनी है, रैंडम वर्ड किसकी रैंक निकालनी है, रैंडम। सबसे पहली पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है जल्दी बताओ, क्या आ रहा है? एक की जगह क्या चाहिए आपको, क्या आर चाहिए, आर चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। ए को फिक्स करते, ए को क्या किया, फिक्स। तो अगर ए को फिक्स किया, यानी मतलब ये हो गया ए के लिए एक चॉइस, और आपस में पांच चीजों को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, वन ट्वेंटी वर्ड्स होगा, फाइव फैक्टोरियल 120 होता है। यस और नो? यस सर। अब फाइव फैक्टोरियल मतलब 120, जो 120 वर्ड्स बनेंगे वो किससे स्टार्ट होंगे, ए से स्टार्ट होंगे। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। 120 वर्ड्स विल स्टार्ट विद ए, और 120 फर्स्ट वर्ड जो होगा वो किससे स्टार्ट होगा, सर डी से। डी से ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है ए डी एम एन ओ आर है, तो किससे स्टार्ट होगा, डी से। ये बात समझ आ गई? डी से स्टार्ट हो गया, डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या रहेगा जल्दी बताओ। फिर ए आएगा, एम आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, आर, डी ए एम एन ओ आर। कोई डाउट है ये कौन सा वर्ड होगा, ये कौन सा वर्ड होगा, 121st होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, डी भी नहीं मैच कर रहा इससे, डी की जगह क्या चाहिए, आर चाहिए। अब डी के बाद कितने अरेंजमेंट बनेंगे, टोटल कितने वर्ड्स हैं, इन पांचों को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, फाइव फैक्टोरियल दैट इज 120। इसका मतलब 120 प्लस 120 कितना हो गया, 240 फर्स्ट वर्ड जो होगा वो किससे स्टार्ट होगा, ए से हो गया, डी से हो गया, आप किससे स्टार्ट होगा, एम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एम ए डी एन ओ आर, मगर एम भी नहीं चाहिए ना, नो सर। तो कितने अरेंजमेंट, तब भी 120 हुआ, 360 हो गए। 360 के बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट होगा, एन, एन, एन ए डी एम ओ आर, एन को फिक्स किया, तब भी कितने वर्ड्स बने, 120, यानी 480 हो गया। 480 के बाद भी वर्ड किससे स्टार्ट होगा, ओ ए डी एम एन आर, यही होगा ना। इससे टोटल वर्ड कितने बनेंगे, 120 बनेंगे, यानी टोटल 600 हो गए। हो गए 600? 600 के बाद वाला वर्ड जो होगा 601, वो किससे स्टार्ट होगा जल्दी बताओ, आर, आर के बाद क्या लिखूं, ए आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको देख लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, आर ए डी एम एन ओ। कोई डाउट, कोई डाउट है, ये कौन सा वर्ड होगा, 601। अब
आर इससे मैच हो गया, ए भी मैच हो गया, ये बात क्लियर है? यस सर। अब बचे चार वर्ड, बचे चार लेटर्स बचे, डी की जगह क्या चाहिए बताओ? एन। एन एन चाहिए। डी को फिक्स किया, कितने वर्ड्स बनेंगे? थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल दैट इज सिक्स। कोई डाउट? नो सर। अब डी के बाद क्या आएगा? एम आएगा। यस सर। तो एम को फिक्स किया, कितने वर्ड्स? सिक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा? एन डी एम ओ। ठीक है सर, यहाँ पे एन नानी जी ऊपर एन, तो यहाँ पे एन मिल गया। पहले डी रखा, फिर एम रखा, अब एन रखूंगा। ठीक है। अच्छा दृष्टि, बच्चे एन डी समझ आ गया? ये जो वर्ड होगा अगर देखा जाए 600 के बाद 6, 6, 12, 613 वर्ड होगा एन डी एम ओ। कोई डाउट? नो सर। एन से एन मैच कर गया, डी से डी मैच कर गया, अब एम की जगह क्या चाहिए? ओ। एम को फिक्स किया, कितने वर्ड्स बनेंगे? वन। वन। तो उसके बाद क्या आएगा? ओ एम आएगा। तो पूरा वर्ड मैच हो गया। तो इसकी रैंक क्या होगी? 612 तक यहाँ तक हो गए थे, 613 उसके बाद वाला वर्ड है 614। दूसरा क्वेश्चन कौन बोलेगा मेरे साथ? होता है प्रियांशु, बोलो। चलो प्रियांशु, क्वेश्चन समझ आया था ये वाला थोड़ा बहुत? Yes, sir. चलो प्रियांशु, मदर वर्ड है, इसकी रैंक निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. सबसे पहला वर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्या लिखा जाएगा? E. फिर H. देखना एक बार सही है कि नहीं। O. कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नहीं सर। अब एक बात सुन लेंगे, अब ई की जगह क्या चाहिए जल्दी बता दे? एम। एक जगह मैं अलग लिख देता हूँ, एम ओ आर टी। सबसे पहले ई की जगह एम चाहिए, ई को फिक्स किया, कितने वर्ड्स बनेंगे? दैट इज 120, 5 फैक्टोरियल 120। सही है। ई के बाद वर्ड किससे स्टार्ट होगा? यस सर, H E M O R T। कोई डाउट? नो सर। अब H भी नहीं चाहिए, इसको भी फिक्स किया, कितने वर्ड? 120। अब उसके बाद वाला वर्ड किससे स्टार्ट होगा? M। M के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो क्या है, M E है, H है, O R T। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो सर। एम मैच हो गया, मदर से एम मैच हो गया। यस सर। अब ई की जगह क्या चाहिए? ओ। ई को फिक्स किया, कितने वर्ड्स बनेंगे? सर 4 फैक्टोरियल। दैट इज 24। 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 = 24 होता है। अब ई के बाद क्या आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई के बाद क्या आएगा? ओ। एच आएगा सर। ओ। बच्चे ओ कैसे आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच होता है ना सर, एच। ठीक है, अब एच को फिक्स किया, कितने वर्ड्स बनेंगे? ठीक है,
यस उसके बाद वाला वर्ड बनेगा ओ ई एच आर टी ओ मैच हो गया है तो ओ को काट दो अब ई की जगह क्या चाहिए ई की जगह क्या चाहिए ई की जगह क्या चाहिए टी चाहिए ई को फिक्स किया कितने वर्ड थ्री फैक्टोरियल दैट इज सिक्स थ्री फैक्टोरियल किसके बराबर होता है सिक्स फिर एच ई आर टी आएगा एच को फिक्स किया तब भी कितने बनेंगे सिक्स फिर आर ई एच टी आएगा तब भी सिक्स तो उसके बाद वाला वर्ड आएगा टी ई एच आर ये बात समझ आ गई yes, टी को फिक्स किया टी से टी कट हो गया अब ई की जगह क्या चाहिए फिर H. तो कितने वर्ड्स बने इसके टू फैक्टोरियल दैट इज टू ही रहेगा yes, उसके बाद क्या आएगा एच ई आर देखोगे ये सारे मैच हो गए yes, तो ये इसके बाद वाला वर्ड तो अगर टोटल ऐड कर दोगे ये 240 हो गया ये कितना हो गया 2448 हो गया ये कितना हो गया आपका 18 हो गया ये 2 हो गया तो कितना हो गया 288 प्लस 18 306 308 309 रैंक कितनी हो गई 309th इज द रैंक ऑफ वर्ड मदर कोई डाउट है चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस को इतने बड़े तरीके से करना होगा बच्चे ऐसे ही करना अभी ऐसे ही कर ठीक है अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं हम बोल देते हैं जैसे वर्ड है हमारा अभी तक हमने जो लिया एक बार ही देखते हैं सपोज कर लो वर्ड है एप्पल इसकी रैंक क्या होगी किसी को कोई डाउट तो नहीं है एप्पल वर्ड में माधव नो सर माधव यस सर माधव पहला वाला वर्ड क्या होगा जल्दी बता दे ए होगा दूसरा ई होगा एल पी और पी ठीक है ए तो चाहिए हाँ या ना तो ए को तो काट दू सीधा ही है ना ई की जगह क्या चाहिए ई की जगह क्या चाहिए पी चाहिए ई की जगह क्या चाहिए पी चाहिए ई को फिक्स किया कितने वर्ड्स बनेंगे माधव थ्री फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल लिखूं माधव हाँ या ना Yes, sir. So, दो पी है सर मेरे को समझ नहीं आया हमने थ्री फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल क्यों लिखा बच्चे मैंने ये दो पी सेम है ना हाँ जी सर तो इसलिए दो फैक्टोरियल नीचे लिखा ना जो चीज सेम होती थी उससे डिवाइड होता था ना ठीक है सर ठीक है अब ई की जगह क्या आएगा एल आएगा ई आएगा पी आएगा पी आएगा कोई डाउट है नो सर चलो एल अगर फिक्स किया तो तब भी कितने अरेंजमेंट हो गए थ्री फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल दैट इज इक्वलेंट टू थ्री कोई डाउट है अभी तक नो सर अब एल के बाद क्या आएगा पी आएगा सर पी आएगा पी ई ई आएगा एल पी आएगा कोई डाउट नो सर अब पी और पी ये कट गया अब नेक्स्ट ई की जगह क्या चाहिए पी इसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल टू फैक्टोरियल टू फिर आएगा एल ई पी इसके भी कितने अरेंजमेंट पॉसिबल टू फैक्टोरियल फिर आएगा पी ई एल सही है यस पी से पी कट गया अब ई की जगह क्या चाहिए एल चाहिए तो इसके कितने अरेंजमेंट वन फैक्टोरियल आएगा ये दोनों पूरा मैच हो गया yes, अब चेक कर लेते हैं तीन तीन छः छः दो आठ आठ दो दस दस एक ग्यारह ग्यारह एक बारह ट्वेल्थ रैंक बात समझ आ गई yes, sir. ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपका होमवर्क जो है एक काम करेंगे होमवर्क सुन लेंगे लास्ट क्वेश्चन हो पाए ना हो पाए 16.5 में
फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ देना, सेकंड से लेके लास्ट तक सारे कर, सेकंड से लास्ट तक सारे कर। वर्ड है हमारा बनाना, इस वर्ड की रैंक क्या होगी? क्वेश्चन समझ आ गया? कौन बोलेगा? मैं बोल। कौन? चल ध्रुव बोल। ध्रुव पहला वर्ड क्या बनेगा? सर पहला वर्ड बनेगा ए ए ए बी डबल एन। कोई डाउट है? नो सर। ए की जगह क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए सर, ए की जगह बी चाहिए सर। ए की जगह कितने अरेंजमेंट पॉसिबल? सर फाइव फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल इनटू टू फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल क्यों लिखा, थ्री फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये फिक्स है सर, क्योंकि हाँ ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसका कुछ नहीं लिखा। ए के बाद क्या आएगा सर? ए के बाद आएगा ए दूसरा है। अच्छा मतलब बी। ए क्यों आएगा बच्चे? हाँ जी ये बात समझ आ गई। हाँ जी क्या क्या मैच हो गया? बी मैच हो गया, ए मैच हो गया, बी मैच। सर मेरे को समझ नहीं आया सेकंड वाला। क्या नहीं समझ आया बच्चे? वो बी कैसे आया एक बार फिर से बता दो। ए के बाद क्या आता है बच्चे? बी। तो मैंने बी तो लिखा, ठीक है ठीक है, दोबारा ए तो नहीं लिखूंगा ना। अच्छा चलो बी ए मैच हो गया। अब इस ए को, इस ए की जगह क्या चाहिए? एन। एन कितने अरेंजमेंट पॉसिबल? थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद क्या आया? एन ए ए एन। कोई डाउट है? यस सर। नो सर। अब एन ए मैच हो गया, अब इस ए की जगह क्या चाहिए सर? एक